2022 के बजट को पेश हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है और अभी तक आपने इसके बारे में बहुत सारे व्यूज, काउंटर व्यूज, ओपिनियंस पढ़ी होंगी, देखी होंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके बारे में एवरीबडी इन द मार्केट इज गॉन। ये कौन सा सेगमेंट है और उसके स्टेक होल्डर्स इसके बारे में क्यों इतने एक्साइटेड हैं? कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में इसी चीज को डीकोड करें और आप भी जान जाएं कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसके स्टेक होल्डर्स की खुशी का कारण क्या है। हाय फ्रेंड्स, जैसे हम बता चुके हैं कि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की जो बजट से काफी ज्यादा खुश है और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसका नाम है सोलर एनर्जी। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स और इस फील्ड से, इस सेगमेंट से एसोसिएटेड लोग हैं, उनका ये मानना है कि इस साल का जो बजट है काफी डेवलपमेंट फोकस्ड है और ग्रोथ फोकस्ड है। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, जब उन्हें फाइनेंशियल बजट पेश किया था तब उसके बाद जो लोगों की रिएक्शन आई थी, सबका ये मानना था कि ये बजट भारत को कि फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है, खासकर सोलर एनर्जी की स्पेस में, और इससे देश का काफी ज्यादा विकास होगा। और साथ में ये भी बता दें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी बार बार लगातार एक चीज कहते हैं कि हमें अपनी सोलर एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है क्योंकि दैट्स द वे फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहां आपको बताएंगे कि क्या क्या बजट अनाउंसमेंट्स हुई इससे लेके सोलर एनर्जी से रिलेटेड, आपको ये बताते हैं कि जो आज का हम वीडियो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं आपको इन एसोसिएशन विद GoodWe। GoodWe इज अ वर्ल्ड लीडर इन PV इन्वर्टर एज वेल एज एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग। GoodWe ये कंपनी खाली इंडिया में ऑपरेट नहीं करती है, दे हैव गॉट अ ग्लोबल फुटप्रिंट्स एंड पूरी दुनिया भर में इनका डंका बजता है एंड लोग इनकी सर्विसेज और इनकी जो क्वालिटी है उससे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल वापस आते हैं वीडियो पे और बात करते हैं कि ये जो बजट है इसमें क्या मेजर प्रोविजन था। इस साल के बजट में जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट की गई थी वो रिलेटेड थी PLI स्कीम की। व्हाट इज PLI स्कीम? PLI होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी भारत में लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको एक इंसेंटिव मिलते हैं, इससे मैन्युफैक्चरर्स भी खुश हैं और देश के में जो प्रोडक्ट्स हैं अपने अंदर ही बन रहे हैं, यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। और उससे क्या होता है कि जब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हम इधर जो चीजें बना रहे हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम फॉरेन करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो इस साल का बजट आया था उसमें 21,500 करोड़ का इंसेंटिव प्लान दिया गया है सोलर के लिए, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट पहल है, काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो इससे हमारी सोलर की नीड्स है वो पूरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी एनर्जी की नीड्स कैसे पूरी हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें सेट किया है एक टारगेट कि 2030 तक हमारे पास 300 गीगावाट्स की सप्लाई हम खुद पैदा कर सकते हैं। और कंटेक्स्ट के लिए आपको बता दें कि आज की डेट में हम खाली 50 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं और जब मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगेगी तो इसमें एक काफी ज्यादा पुश मिलेगा और ग्रोथ दिखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग नंबर और बता देते हैं। 2022 यानी कि 2022 का हमारा सोलर एनर्जी में जो एक मेन योगदान आएगा वो आएगा रूफटॉप सोलर से, और उसके लिए हमने हमारी गवर्नमेंट सेट करके रखा है 100 गीगावाट का टारगेट। और ये बता दें कि आज की डेट में अब हम खाली 40 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये सोलर वाला एकदम सही से हो जाए और मैन्युफैक्चरिंग तेज हो जाए तो ये वाला टारगेट आराम से हम इस साल अचीव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि हम इतना सोलर कर रहे हैं कि इतना टारगेट है, ये है, वो है, इससे फायदा क्या है? इससे हर एक को, चाहे कॉर्पोरेट होगा या इंडिविजुअल होगा, दोनों को फायदा है। नंबर वन कि आपका जो एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको लगातार बार बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और सेकेंड, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों गर्व से बोल सकते हैं कि गो ग्रीन इनिशिएटिव में हमारा भी योगदान है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो जितनी देर से सोलर की बात करें, सोलर में कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो सोलर में सोलर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है इन्वर्टर। इन्वर्टर आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे सोलर प्लांट का दिमाग है, दिल है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी सोलर एनर्जी है, जो सूर्यदेव हम पे मेहरबान रहते हैं, उसकी एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, और ये
उसी डायरेक्ट करंट को हम एसी में करते हैं, ऑल्टरनेट करंट। अभी एसी करंट वही करंट होती है जिससे आपके घर में फ्रिज, एसी, लाइट, हीटर, गीजर सब चलते हैं। तो ये जो इन्वर्टर भाई साहब हैं, ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं एक सोलर प्लांट की लाइफ के दौरान भी, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी के लिए। अगर इन्वर्टर में कुछ कमी रह जाए तो आपकी प्रोडक्शन भी कम हो सकती है और आपको क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं जो इन्वर्टर स्पेस है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले कंपनी का नाम लिया था GoodWe। वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही है। उनने अभी तक 2 मिलियन इन्वर्टर्स सोल्ड किए हैं वर्ल्ड वाइड, और पूरी की पूरी जो एनर्जी का बनकर आता है जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, दैट इज 35 गीगावाट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं GoodWe से जुड़ी हुई। उन्होंने अभी रिसेंटली सेंचुरी की जो फैक्ट्री है होशियारपुर पंजाब में, वहां पर उन लोग ने 10 GoodWe HT 250 kW इन्वर्टर्स लगाए थे और कंपनी उनसे काफी ज्यादा इंप्रेस थी। ये तो उनसे इंप्रेस है, इसके अलावा भी बाकी लोग इनकी क्वालिटी से काफी ज्यादा इंप्रेस है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यह बताया है कि जो बजट आया था उसमें सोलर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थे, जिसके वजह से जितने भी इन्वर्टर स्पेस के या सोलर स्पेस के स्टेक होल्डर्स हैं काफी खुश है। उसके अलावा हमने आपको रूबरू करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया GoodWe कंपनी से, जो एक जाना माना नाम है सोलर की दुनिया में, और उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है और लोग जो भी उनके कस्टमर्स हैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके GoodWe के प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप उन्हें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हम उनका मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो मेल वेल नहीं करना चाहते, यहाँ पर ही डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो कमेंट्स है आपका माध्यम। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन या जो भी आपकी क्वेरीज हैं लिख डालिए, एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम एट द अर्लीस्ट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।